उधार के पैसे मांगने पर दबंगों ने घर में घुसकर पीटा महिला सहित चार घायल। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब पीड़ित किसान उधार के पैसे मांगने गया तो पहले उसके साथ में दबंगों ने गाली गलौज शुरू कर दी, जिसे मोहल्ले वालों ने समझा बुझाकर शांत करा दिया। मगर दबंगों को उधार के पैसे मांगने की बात नागवार गुजरी और दबंग लोग किसान के घर में लाठी डंडे और चाकू तबल लेकर किसान के घर में घुस गए और दबंग शिव कुमार उसके भाई विशेष कुमार ने घर में अकेली किसान की बेटी के साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब इसका विरोध पीड़ित ने किया तो दबंगों ने मारपीट कर उसे भी घायल कर दी। दबंगों द्वारा मारपीट की सूचना पीड़ित किसान नरेंद्र सिंह ने डायल 112 को दी। इतने में दबंग लोग जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। मौके पर पहुंची 112 ने घायलों को स्वास्थ्य केंद्र मुंडा पांडे भिजवाया, जहां पर मुंडा पांडे स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों द्वारा कुछ की हालत गंभीर देखते हुए मुरादाबाद जिला अस्पताल भिजवाया गया है। पीड़ित किसान मोहित प्रताप सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह ने मारपीट करने वाले दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है, जो भी सत्य सामने आएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की बात कही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा है। कहाँ के निवासी हो आप? शहरी प्लाट के निवासी हैं। अच्छा, किस बात को लेकर विवाद हुआ आपका? कोई बात लेकिन नहीं हुआ। वो शिव कुमार और विशेष घर पे आ गए थे, मैं और मेरी माँ अकेली थी जी। तो वो आके गाली गलौज करने लग रहे और मेरे चाकू हाथ पे चाकू मारा और मुझे मारा पीटा। मेरी मम्मी को भी मारा था। उसको लेकर भैया सब जने आ गए, उन्होंने बचाया तो उनको मारा पीटा और उनकी तबल मारा सिर में और भैया के भी मार दिया। अच्छा, पुलिस को सूचना दी आपने? जी, पुलिस को सूचना दी थी लेकिन 100 नंबर की पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस नहीं पहुंची, तो थाने की पुलिस थी वो नहीं पहुंची जी। अच्छा, किस चीज़ को मतलब विवाद हुआ, किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ आपका? छेड़खानी के ऊपर हुआ है, पैसे का लेन देन था क्या? बस ऐसे ही भैया से लड़ाई हो गई थी। आपकी? आप घर पर अकेले थे? जी, हम घर पर अकेले थे। कौन कौन लोग, किस किसी ने मारा आपको? विशेष, शिव कुमार और आशीष और क्या कहते हैं, सुरेश और रोहित और सचिन, सब लोग थे ये, इनके सब परिवार के। आप कहाँ पर खड़े हो आप? आप कहाँ पर आए हो आप? जी, मैं अस्पताल में आई हुई हूँ, मुंडा पांडे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पाल सिंह। कहाँ के निवासी हैं आप? फेरिये प्लाट। क्या मामला हुआ, कैसे विवाद हुआ आपका? हमारा लड़का पैसे लेने गया था, एक पर चरी भेज दी थी हमने, ये लोगों ने उससे पैसे भी नहीं देने दिए और आके घर में घुस के हमारे लड़के को मारा, हमें भी मारा। कितने लोग घायल हैं? हम दोनों बाप बेटे घायल हैं और हमारी लड़की के भी चोट आई है। क्या नाम है? दीक्षा। लड़के का नाम क्या है? मोहित। अच्छा, किन लोगों ने मारा, उनके क्या नाम है? उनके नाम है शिव कुमार, विशेष और कौन है, काफ़ी लोग हैं, बोल दी जरा ना। अच्छा, पुलिस पहुंची थी वहाँ पर? हाँ, पहुंची। क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? पुलिस 100 नंबर पहुंची साहब, थाने की पुलिस नहीं पहुंची बिल्कुल। थाने की? ना। कितने घंटे विवाद रहा था वहाँ पर? बहुत देर मारपीट करी हमारे घर में उन्होंने, करीब आधे घंटा तक मारपीट करी। पुलिस नहीं पहुंची? ना पुलिस पुलिस तो बिल्कुल गई ना, आधे घंटा बाद 100 नंबर पहुंची साहब। हाँ, पुलिस तो बिल्कुल गई नहीं। अच्छा, किस चीज़ से मार गया आपके ऊपर? जब हम घर से चल रहे थे, उन्होंने तबल से और चाकू से वार करा, हर साहब और विशेष पे और शिव कुमार पे तमंचे थे। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप है, मैं CSC मुंडा पांडे पे MO हूँ और यहाँ पे अभी पुलिस द्वारा 3 पेशेंट आए गए हैं झगड़े के, मात्र MNC हैं जिन लोग खून से लथपथ हैं तीनों लोग, और इनको मेडिकल किया गया है और मुरादाबाद के लिए रेफर किया है हमने अभी। सर, इसमें महिला भी है कोई? हाँ, इसमें एक महिला है, उसके दोनों हाथों में सूजन भी है और चोट भी है, गुम चोटें हैं। सर, कौन से गांव का मामला है ये? शहरिया गांव है ये, गणेश घाट के पास, मुंडा पांडे ब्लॉक में आता है। अब कहाँ पर चले गए वो लोग? अब इनको हमने मुरादाबाद रेफर किया है अभी। तीनों लोगों को? तीनों को रेफर किया गया है।